हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सविताज क्रिएटिविटी। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। अभी टाइम हुआ है 7:30। मैं मॉर्निंग ब्रेकफास्ट बना रही। ये है आलू भाजा, इसको ओडिया में आलू भाजा बोलते हैं। आलू फ्राई पतला पतला लंबा लंबा कट करके आलू को उसको प्याज और ग्रीन चिली स्लिट के साथ फ्राई किया जाता है और ट्रायंगुलर पराठा बनाई हूँ। ये मेरे हस्बैंड का एक फेवरेट ब्रेकफास्ट है, उसको ब्रेकफास्ट दे दी हूँ और मैं जा रही हूँ मेरा ब्रेकफास्ट रेडी करने के लिए। मैं टोस्ट और चाय खाऊँगी। चलिए उनको जल्द दे देते हैं, उसके बाद मेरा काम चालू करती हूँ मैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मॉर्निंग में एकदम आपके साथ थोड़ा सा बात हुआ था, कैमरा के सामने तो नहीं की थी। ब्रेकफास्ट जो बना के आदित्य को दे रही थी वो आप लोगों को दिखा रही थी। सो उसके बाद मैं इतना बिजी हो गई, आप लोगों के साथ बात नहीं कर पाई। अभी टाइम कितना हुआ है, 5 बजने को चला है, 4:50 हुई है। आप लोगों को बैकग्राउंड देख के पता चल गया होगा मैं बेडरूम में हूँ। एक्चुअली रिलैक्स कर रही थी, थोड़ा सा सो नहीं रही थी, कुछ मेरा फेवरेट यूट्यूब का चैनल देख रही थी। देखते देखते याद आया मैंने तो आज ब्लॉग ही कर ही नहीं, जो सुबह की थी उसके बाद तो कैमरा खोली ही नहीं। तो चलिए थोड़ा सा ये ब्लॉग को स्टार्ट किया जाए। और क्या करें, अभी 5 o'clock हुआ है। बैंगलोर का वेदर आज एकदम ग्लूमी है। बीच में थोड़ा सा सनशाइन था, उसके बाद मैंने इतने ज़ोर से बारिश हुई आधा घंटा पूरा कंटिन्यूसली 45 मिनट्स तक। उसके बाद अभी थोड़ा सा क्लाइमेट एक्चुअली क्लियर है, थोड़ा सा धूप भी दिखाई दे रहा है बाहर। और मैं बेडरूम में बेड के ऊपर थोड़ा सा आराम से रिलैक्स करके बैठी हूँ। अच्छा लगता है ना कभी कभी। एक्चुअली क्या होता है ना, आप लोग जब पूरा काम करते हो बॉडी पूरा टायर्ड हो जाता है, तो थोड़ा सा खुद को टाइम देना चाहिए, है कि नहीं। वही है, आदित्य ऑफिस जाते हैं आजकल रेगुलर, बट वो फुल डे नहीं रहते हैं। जब मॉर्निंग में जाते हैं तब पोस्ट लंच आप बोल सकते हैं, क्योंकि घर में आके पहुँचते 2:45-3 o'clock उनका हो जाता है। सॉरी तो बहुत लेट हो जाता है लंच टाइम से, बताओ। बट वो सुनते नहीं हैं, ऑफिस का काम ख़त्म करते करते उनका लेट हो जाती है। और जब लंच के बाद जाते हैं तब एक्चुअली वो लंच खा के निकल जाते हैं 1 o'clock तक, और घर लौटते हैं और लगभग 7 बजे। वही रूटीन चल रहा है। और मैं आज घर में हूँ, बाहर नहीं गई हूँ। कल जैसे आप लोगों को पता है कि कहाँ कहाँ गई थी, क्या की थी, आज के ब्लॉग में दिया मैंने ऑलरेडी, मेरा ब्लॉग गया है। जो देखे होंगे उनको पता होगा, जो नहीं देखे होंगे प्लीज़ जाके मेरे ब्लॉग को, आज का ब्लॉग को देख लीजिए। मज़ेदार शॉपिंग और फ्रेंड के साथ डे आउट। क्या है ना, अभी मेरा जो लगभग सब फ्रेंड्स है वो लोग कोलकाता के लिए जा रहे हैं पूजा के लिए, नेटिव प्लेस है। और पूजा बंगालियों के लिए बहुत बड़ी एक सेलिब्रेशन का टाइम है। आप लोग को लगा होगा मैं बंगाली हूँ, ना मैं बंगाली नहीं हूँ, मैं उड़िया हूँ। आप लोगों को पता है मैं उड़ीसा को बिलोंग करती हूँ, पूरी को बिलोंग करती हूँ, राइट। वो लोग सब जाने के लिए तैयार है, कोई जा रहे हैं। एक्चुअली मेरी एक फ्रेंड कल जिसके साथ गई थी वो जा रही है ये वीक में, और एक फ्रेंड जा रही है नेक्स्ट वीक में। ऐसे सब पूरा लाइनअप होके रहा है, तो उन लोगों का शॉपिंग, मेरे को भी थोड़ा मन करता है जाके उनके साथ थोड़ा सा शॉपिंग कर लूँ। और ऐसे सब प्लान बन ही जाता है, क्या करें हम लोग, वही है हमारा ज़िंदगी, है ना। सो आज घर में हूँ, कल थोड़ा सा प्लान कर रही हूँ, जाऊँगी तो आप लोगों का ज़रूर वहाँ पे लेके जाऊँगी। और क्या, मेरा पूजा का शॉपिंग नहीं बोलूँगी, आप लोगों के लिए सरप्राइज़ है। और आप लोग पूजा के लिए, नवरात्रि के लिए क्या क्या सब शॉपिंग कर रहे हैं ज़रूर मुझे बताना कमेंट सेशन में, अच्छा लगेगा। और मैं कल जा रही हूँ बाहर, ये तो हिंट्स मैं दे रही हूँ, जाऊंगी तो मेरी एक फेवरेट जगह में जाऊंगी। आप लोग गेस कर सकते हो फेवरेट प्लेस कहाँ होगा, गेस करते रहिए, कल ब्लॉग में देखेंगे। कल नहीं, कल मैं जाऊंगी तो आप लोग डे आफ्टर टुमारो देखेंगे ब्लॉग में, है ना। और अभी देख रही थी कुछ मेरा फेवरेट ब्लॉगर्स का वीडियो,
और उसमें से मुझे लगा कि बहुत सारे वीडियो अभी जो सब ट्रेंड में हैं और जितने सारे वीडियो अभी आ रहा है वो सब वीडियो का मज़ा ही कुछ अलग है, क्योंकि फेस्टिव सीजन चालू हुई है, सब लोगों का प्रिपरेशन, शॉपिंग, मेकओवर सब कुछ चला, और मेरा वो फेवरेट पार्ट है, राइट? सो मुझे अच्छा लगता है मेकओवर वीडियो देखने के लिए, कोई इंटीरियर डिजाइनिंग रिलेटेड वीडियो देखने के लिए और सब कुछ। इसी के देखते देखते मेरा एक इम्पोर्टेंट काम मैं भूल गई हूँ, अभी जाती हूँ, याद आ गया, किचन में, क्योंकि मेरा किचन चैनल के लिए कुछ शूट करना है। चलिए अभी जाते हैं और आप लोग के साथ मिलूंगी, इवनिंग को टाइम होगा तो डेफिनेटली मिलूंगी। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। अभी टाइम हुआ है 6:30, मैं आ गई हूँ हमारे गेस्ट रूम में। बहुत दिन से आप लोगों को वो गेस्ट रूम नहीं दिखाई थी, आदित्य का वर्क स्टेशन, मेरा मंदिर, और हमारे गेस्ट रूम के जो विंडो है उससे आप लोग बैंगलोर का नज़ारा थोड़ा देखिए। इवनिंग में इतना सुंदर लगता है, इतना अच्छा लगता है यहाँ से बाहर देखना। और ये मेरी और एक फेवरेट जगह है हम लोग का, ये फ्लैट में हर कोई रूम से बाहर का नज़ारा बहुत सुंदर तरीके से दिखता है। सो हर कोई रूम से, मास्टर बेडरूम से, किड्स रूम से और हमारे गेस्ट रूम से भी। चलिए दिया बाती करते हैं। शाम अभी मैं पापा मम्मी के फ़ोटो के सामने दिया बाती करती हूँ, और यहाँ पे भी हॉल में भी, लिविंग डाइनिंग में भी करती हूँ। यहाँ पे मेरा गणेश जी का एक मूर्ति रखी हुई है, इसमें भी मैं दिया बाती करती हूँ। बेसिकली इवनिंग के टाइम घर में थोड़ा सा दिया बाती करने से मन को शांति मिलती है। ये मेरा फॉयर एरिया है जिसमें गणेश जी को मैंने रखी हूँ, और आप लोगों को जैसे पता है मेरे बुद्धा
का जो स्टैचू है यहाँ पे है। सो ये एंट्रेंस है घर का। सो यहाँ पे शाम को दियाबाती करने से थोड़ा मन को शांति मिलती है ना। आप लोगों के घर में भी आप लोग क्या किए होंगे, और हॉल में भी जो लिविंग डाइनिंग एरिया है उसमें भी मैं अगरबत्ती लगाती हूँ, और घर के बाहर जो है ना हमारा एंट्रेंस है उसमें भी करती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी टाइम हुआ है शाम 7, एग्जैक्टली 7 o'clock हुई है, और मैं अभी अभी दियाबाती करके आई हूँ। फ्रेश लग रहा है, अच्छे लग रहा है। आफ्टरनून में आप लोगों के साथ थोड़ी सी बात हुई थी बेड में सोते हुए। एक्चुअली मन नहीं कर रहा था उठने के लिए, वेदर यहाँ पे इतना ठंडी है कि पूरा ब्लैंकेट ओढ़ के थोड़ा सा कोजी कोजी होके सोने के लिए मन करता है, और गर्मा गर्म चाय का ज़रूरत पड़ती है। मन नहीं करता है, एक्टिव नहीं लगता है। बेसिकली बैंगलोर का वेदर में किसी को कभी भी एक्टिव नहीं लगता है। धूप बहुत कम मिलता है हम लोगों को, एनर्जी लेवल थोड़ा कम होती है ऑलवेज हम लोगों का। ऐसा हालत है बैंगलोर का। और मुझे लगता है कि जैसे दुर्गा पूजा का जो फ्लेवर एक होता है ना, जैसे दुर्गा पूजा आ जाती है तो अलग सा एक माहौल क्रिएट हो जाता है, लगता है कि हाँ पूजा आ रहा है। फेस्टिव सीजन सब आ रहे हैं, एक के बाद एक फेस्टिवल्स आ रहे हैं। वैसे ही एक फीलिंग अभी आ रही है। जैसे मैंने आप लोगों को बोली कि मेरे सब फ्रेंड्स जा रहे हैं नेटिव में पूजा सेलिब्रेट करने के लिए, मेरा मन भी बहुत हो रहा है जाने के लिए, बट पूजा में मैं बाहर नहीं जा पाऊँगी क्योंकि मैं घर में पूजा सप्तमी अष्टमी और नवमी पूजा करती हूँ। और इस बार आप लोगों को दिखाऊँगी जरूर, लास्ट टाइम मैंने यूट्यूब स्टार्ट नहीं की थी, इस बार करूँगी तो आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूँगी। जितना भी करूँगी, जैसे भी करूँगी, डेफिनेटली आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आज यहाँ पे अभी बैठने का एक रीज़न है कि मैं ऑनलाइन कुछ ड्रेसेस ऑर्डर की थी जो आके पहुँच गया है। आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ वो सब ड्रेस। मुझे बताना कौन सा ड्रेस आप लोगों को अच्छा लगा, और मेरा ऑनलाइन शॉपिंग आप लोगों को ओवरऑल कैसा लगा। अभी आते हैं फर्स्ट जो ड्रेस, ये चारों ड्रेस मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, चारों ही वन पीस है, मतलब ड्रेस है। आप लोगों को जैसे पता है मुझे फ्लोर लेंथ या अंकल लेंथ ड्रेस अच्छा लगता है। जो सिंगल पीस ड्रेस है वो मेरा सबसे एक्चुअली फेवरेट है, इसलिए मैं ज़्यादातर उसको ऑर्डर करती हूँ। और आप लोगों को बहुत ज़्यादा बकबक नहीं करके आप लोगों को दिखाती हूँ। अभी ये है मेरा फर्स्ट ड्रेस ब्लैक कलर का। जैसे आप लोगों को पता है कि मुझे ब्लैक कलर और फ्लोरल प्रिंट ये दोनों चीज़ बहुत अच्छा लगता है। और मैं थोड़ा कैमरा को सॉरी कैमरा गिर जाएगा। हाँ अभी दिखाती हूँ, ये है, ऐसा है ये ड्रेस फ्लोर लेंथ का, और ये है एक लॉन्ग ड्रेस जैसे आप लोगों को दिखा रही हूँ मैं। ओके सो ब्यूटीफुल सा ड्रेस है। इसको एक्चुअली मैं ट्राई ऑन ऑलरेडी कर चुकी हूँ, करके फिटिंग एकदम बराबर है, एकदम परफेक्ट फिटिंग है। आप लोगों को थोड़ा दूर से दिखा रही हूँ ये वाला ड्रेस, और ये मटेरियल है रेयन का, बहुत सॉफ्ट है ये कपड़ा, और इसमें थोड़ा सा दोनों साइड में बेल्ट दिया हुआ है आपका एडजस्ट करने के लिए जो वेस्ट का चीज़। ये ड्रेस डेफिनेटली कब पहनूंगी, जब पहनूंगी आप लोगों को दिखाऊंगी। ये था मेरा फर्स्ट ड्रेस। जो सेकंड ड्रेस अभी आप लोगों को दिखाऊंगी वो एक हैंडलूम क्लॉथ का ड्रेस है, सिंगल पीस है, और मेरा फेवरेट सेकंड फेवरेट कलर मेरून का है। डार्क रेड बोलिए या मेरून बोलिए, जो भी बोलिए, ये वाला ड्रेस मुझे बहुत पसंद आया था एक्चुअली। इसलिए मैंने ये वाला ड्रेस ख़रीदा। देखिए ये वाला ड्रेस मेरून और ग्रीन कम्बिनेशन में है, आप लोगों को दिखा रही हूँ, दूर से दिखा दूँगी। ये है ड्रेस, पूरा आप लोगों को दिखाती हूँ, ये वाला है, और बहुत सुंदर सा कलर है, सॉफ्ट क्लॉथ है, पूरा कॉटन है। यहाँ पे नेक में एक डोरी दिया गया है जिसको हम लोग ऐसे टाई भी कर सकते हैं, टाई करके दिखा देती हूँ आप लोगों को। ये है नेक, स्लीवलेस है, वो वाला ड्रेस भी स्लीवलेस था, और ये भी जो आप लोगों को दिखा रही हूँ ये भी स्लीवलेस है। सिंपल सा ड्रेस है बट बहुत एलिगेंट लगता है जब पहनती हूँ। एक बार ट्राई ऑन करके भी देख चुकी हूँ,
और इसको इसका पास में से दिखाती हूँ। इसका कपड़ा एकदम एकदम प्योर कॉटन है और मैरून एंड ग्रीन का कम्बिनेशन है और कुछ कलर्स है जिसको मैं बार बार खरीदती हूँ। मेरे वार्डरोब में आप देखोगे ज़्यादातर वही चीज़ देखने को मिलेगा क्योंकि मुझे मेरा जो आँख है और वही कलर के ऊपर अट्रैक्ट हो ही जाता है। मैंने जैसे भी खुद को कंट्रोल करती हूँ, नहीं खरीदूँगी, मेरा सारे ड्रेस ऐसे हैं बट नहीं हो पाता। ये गया मेरा सेकेंड ड्रेस। अभी आते हैं थर्ड ड्रेस के ऊपर जो देखते ही मुझे पसंद आ गया था और मैं कुछ बिना सोच के वो ड्रेस ऑर्डर की थी। वो ड्रेस मेरा एक नया टाइप का कलर का है, आप लोगों को अभी बता रही थी। बहुत सुंदर एक कलर कॉम्बिनेशन है ब्लू पर्पल एंड पिंक का। देखिए ये वाला ड्रेस, इसका डिज़ाइन भी दिखाती हूँ। ये शॉर्ट स्लीव है और ये स्लीव एक लेयर में है, आप लोग देख पा रहे हैं। ये स्लीव एक लेयर पे है और ये स्क्वायर नेक का ड्रेस है। आप लोगों को बैक भी दिखा देती हूँ, बैक ऐसा है, ठीक है। सो ये एक स्क्वायर नेक का ड्रेस है जिसको पहनने से ऐसा ही दिखेगा, आप लोगों को दिखा रही हूँ। इसका फ्लेयर बहुत बड़ी है, हाँ, और इसके अंदर, ये ड्रेस के अंदर भी एक लाइनिंग है। ये कॉटन का लाइनिंग है, जैसे आप लोगों को दिखा रही हूँ, ये कॉटन का लाइनिंग है और इसके ऊपर ये जो मटेरियल है ये पूरा कॉटन मटेरियल का है। ये है मेरा थर्ड ड्रेस, ओके। सो ये वाला एक नया कलर और नया प्रिंट का ड्रेस है जो बहुत मेरा दूसरे ड्रेस से अलग है। सो इसको देखने से, जैसे आप लोगों को बोला कि मैं पहली नज़र में इसको पसंद की थी और ये मेरा थर्ड ड्रेस है। सो आप लोगों को ये वाला ड्रेस कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना। एंड ये जो ये चारों ड्रेस है इसमें से सबसे ज़्यादा फेवरेट मेरा ये वाला ड्रेस है। मुझे पर्सनली पूछोगे तो मेरा ये ड्रेस सबसे ज़्यादा फेवरेट है। अभी आते हैं फोर्थ ड्रेस के ऊपर। वो एक अलग सा कलर है, मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। अलग सा कलर है जो मेरे पास ज़्यादा नहीं है इसलिए मैंने इसको ख़रीदी हूँ और उसका भी एक यूनिकनेस है, आप लोगों को जब दिखाऊंगी आप लोगों को पता चलेगा। और ये है ये वाला ड्रेस, देखिए ये है उसका नेक, बहुत अलग है ना। एक बो किया हुआ है, इतना सुंदर है, रेड येलो एंड रेड कम्बिनेशन में ये ड्रेस है और थोड़ा सा पिंकिश टच भी इसमें है। ये है उसका स्लीव, ये मेरा पूरा फुल स्लीव हो जा रहा है। आप लोगों को जैसे पता है मुझे लॉन्ग स्लीव पसंद नहीं है, मैं शायद उसको कट करके शॉर्ट स्लीव बना दूं, बट अभी तक डिसाइड नहीं की हूँ उसको कट करूँगी या नहीं करूँगी। बट ये ड्रेस भी वैसा ही है, इसके अंदर एक लाइनिंग का क्लॉथ है, आप लोगों को दिखा रही हूँ, येलो लाइनिंग का क्लॉथ है और इसके ऊपर ये वाला मटेरियल है। सो ये है पूरा ड्रेस और आप लोगों को दिखा देती हूँ इसका फ्लेयर, है ना, बहुत सुंदर है। ये भी कलर कम्बिनेशन थोड़ा अलग है इसीलिए मैंने डिसाइड किया ये ड्रेस को पिकअप करूँगी। सो ये जो चार ड्रेस है, ये इसमें से कौन सा ड्रेस आप लोगों को अच्छा लगा मुझे ज़रूर बताना। ये वाला ड्रेस जो मैंने ख़रीदी, ये है 950 है इसका प्राइस जो मैं पे की हूँ। और ये जो पर्पल वाला ड्रेस है, ये वाला ड्रेस भी मैंने ख़रीदी सम 1100 में, 1099 था इसका प्राइस ये वाला ड्रेस का। और बाकी जो ड्रेस है दोनों वो बहुत रिजनेबल है। ये वाला ड्रेस एक्चुअली वो जो हैंडलूम का मैंने दिखाई मैरून और ग्रीन कम्बिनेशन में है, ये 450 मैंने ओनली पे की। इसको मैंने ज़्यादातर खरीदी, इसको घर में पहनूंगी तो बहुत कंफर्टेबल रहेगा और मुझे घर में ऐसा वाला ड्रेस पहनना बहुत पसंद है। 450 ओनली, बट इतना सॉफ्ट क्लॉथ है और इतना यू नो लाइक देखने के लिए इतना अच्छा लगता है, पहनने के बाद इतना सूट करता है मुझे लगा कि ये वाला मैं पहनूँ। और जो लास्ट बट नॉट द लिस्ट, ये वाला जो ड्रेस है ब्लैक कलर का, ये है 799 का, ओके।
सो ये वाला तो रेयन का है जिसे आप लोगों को दिखाई। ये वाला ड्रेस भी बहुत अच्छा लगता है जब मैं पहनती हूँ। एक्चुअली ब्लैक कलर का ड्रेस बहुत लोगों के ऊपर शूट करता है ना। सो ये ऐसा कलर है कि कॉम्प्लेक्शन जैसे भी हो, ब्लैक कलर का ड्रेस सबके ऊपर शूट करता है। सो डोंट टेक इट अदरवाइज, मेरा फेवरेट कलर है ब्लैक। मुझे सच में लगता है कि सबके ऊपर ये सूट करता है, ब्लैक और मैरून, ये दोनों कलर एक्चुअली सबके ऊपर बहुत सुंदर तरीके से सूट कर जाती है। ये था मेरा ऑनलाइन परचेस, जो चार सिंगल पीस का जो ड्रेस मैंने ऑर्डर की थी, और कुछ कुछ ऑर्डर की हूँ वो आ जाएगा तो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। कुछ होम डेकर भी मैंने ऑर्डर की हूँ ऑनलाइन, सो वो भी आ जाएगा तो आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूँगी। जो भी चलता है मेरे लाइफ में, जो भी मैं करती हूँ, जो भी मैं ऑर्डर करती हूँ, जो मैं करूँगी, वो सब आपके साथ शेयर जरूर करूँगी, क्योंकि आप लोग मेरे ज़िंदगी का एक हिस्से हो। तो चलिए, आज आप लोगों को इतना सारा चीज़ दिखाई, ज़्यादा कुछ शूट नहीं कर पाई, किचन रेसिपीज़ बहुत दिन से आप लोगों को नहीं दिखाई। नेक्स्ट व्लॉग में ट्राई करूँगी कुछ रेसिपी बना के आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। एक्चुअली क्या होता है ना, मेरा जो किचन चैनल है उसके लिए मैं स्पेसिफिकली रेसिपीज शूट करती हूँ, तो ये जो ब्लॉग चैनल मेरा है इसमें मैं ज़्यादातर अलग चीज़ें दिखाती हूँ। कभी कभी दिखा देती हूँ किचन का कुछ चीज़ें, बट दिखाती हूँ। मैंने सोचा, एक्चुअली मेरे घर से आप लोगों को जैसे पता है कि एक इनहाउस किचन रन होता है लास्ट 1.5 ईयर से, घर से ही मैनेज करती हूँ, और उसके करने के बावजूद मेरा किचन का केयर मैं कैसे लेती हूँ, किचन को कैसे नीट एंड क्लीन रखती हूँ। किचन मेरा घर का सबसे बड़ा, सबसे फेवरेट जगह है, सबसे बड़ा अट्रैक्शन है आप बोलोगे तो। मुझे किचन, सुंदर किचन बहुत पसंद है, जैसे भी हो उसको क्लीन रखना, सुंदर तरीके से रखना मेरा ड्रीम है। सो कोई भी एक ब्लॉग में आप लोग चाहोगे तो मैं किचन कैसे मेंटेन करती हूँ, मेरा किचन का जो कलर कॉम्बो है वो है वाइट एंड थोड़ा सा ऑरेंज, सो ज़्यादातर वाइट ही है। सो इतना सब काम करने के बावजूद वो वाइट को मैं कैसे मेंटेन करती हूँ, वो मेरा एक सीक्रेट है। मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूँगी कि कैसे किया जाए ये सब चीज़। आप लोग इंटरेस्टेड हो तो मुझे ज़रूर बताना। आज का वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर मेरे वीडियो को लाइक कर देना। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल समिताज क्रिएटिविटी। एंड मुझे जो प्रोत्साहन मिलेगा, मुझे जो मोटिवेशन मिलेगा, उसको लेके मैं आगे बढ़ूंगी और आपके लिए बहुत अच्छा अच्छा वीडियो लेके आऊँगी। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे बहुत जल्द और एक नया वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड लव यू ऑल।